नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, मैं नीलू महिकवार आज पुनः आपके सामने फिर से एक नई रोचक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है साहस के पैर। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको देखिए और पहचानने का प्रयास कीजिए। क्या कभी आपने इन्हें कहीं देखा है, समाचार पत्रों में, टीवी में, न्यूज़ में, कहीं पर इनके बारे में सुना होगा आप सभी ने? बताइएगा, क्या आप इन्हें पहचान पा रहे हैं या इनके बारे में आप कुछ जानते हैं? चलिए बच्चों, मैं बताती हूँ कि बच्चों, ये है हमारे भारत के वो महान खास रत्न जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया। बच्चों, भगवान जो है इस दुनिया में सभी लोगों को कुछ ना कुछ एक खास खासियत के साथ यहाँ पर भेजते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ शारीरिक अक्षमताएं होती है, कुछ कमियां होती है, उसके साथ वो जन्म लेते हैं। तो ऐसे लोगों को बच्चों हम कहते हैं दिव्यांग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाने के कारण दिव्यांग होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं ऐसे ही कुछ खास लोगों से आपको मिलवाती हूँ जिन्होंने यहाँ पर एक खास मुकाम हासिल किया। चलिए बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों, ये है हेलेन केलर। यह जो है हेलेन केलर है वो दुनिया की पहली दिव्यांग ग्रेजुएट पढ़ी लिखी मानी जाती थी, और वह ना आँखों से देख सकती थी, ना ही कान से सुन सकती थी, और ना ही वो बोल सकती थी। इसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की और वह एक शीर्ष लेखिका और शिक्षिका साबित हुई। तो बच्चों, ये है सुधा चंद्रन, जिसे कि आपने टीवी में सीरियल में देखा होगा, जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, क्लासिकल डांसर हैं, जिसे कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। याद कीजिए, अच्छा, सीरियल में देखा है आपने, याद आ गया आपको। चलिए, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इनका जन्म जो है केरल में हुआ था, और जब यह अपने परिवार के साथ एक तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, तब तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर उनका जो है एक दुर्घटना में उनका एक पांव जो है वो इन्फेक्शन के कारण काटना पड़ गया था, और सुधा चंद्रन को अपना एक जो पैर है वो खोना पड़ गया था। तो सुधा चंद्रन ने बच्चों इसे अपनी कमजोरी नहीं माना, उन्होंने अपना जो क्लासिकल डांस था, अभिनय करने का जो क्षेत्र था, उसको छोड़ा नहीं। उन्होंने अपनी जो कमजोरी थी उसको ही अपनी ताकत बना लिया, और नकली पैर की बदौलत एक बेहतरीन डांसर बनकर उभरी। बच्चों, ये है अरुणिमा सिन्हा, जिसे कि बचपन में कुछ चोरों ने चलती ट्रेन से उसको धक्का दे दिया था, इस कारण से जो है अरुणिमा सिन्हा को अपना जो पैर है वह खोना पड़ा था। और अपने आसपास भी आपने देखा होगा कि कई लोग जो है उनके साथ कुछ दुर्घटनाएं होती है, हादसे हो जाते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है वहीं रुक सी जाती है, थम सी जाती है, वो हताश हो जाते हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा जो है वह इस हादसे के बाद भी उन्होंने अपनी जो कमजोरी थी उसको, उन्होंने वहाँ पर अपने क्षेत्र को, लक्ष्य को रोका नहीं, और वह कुछ साल बाद ही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर फतह हासिल की, और वह ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं। जिसे चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं गिरीश शर्मा जी, जिनका आप देख रहे होंगे चित्र में कि एक पैर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो कि एक प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर हैं। जी हाँ बच्चों, यह गिरीश शर्मा है और एक प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर है। तो इन्होंने जो है अपना जो पांव है वो बचपन में ही एक ट्रेन दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन यहाँ पर भी है ना, अरुणिमा सिन्हा, सुधा चंद्रन की तरह गिरीश शर्मा ने भी की तरह ही उनकी ज़िंदगी जो है यहाँ पर रुकी नहीं, वो भी उसको अपनी ताकत बनाकर वो आगे बढ़ते रहे, और अपनी मेहनत से एक दिन ये एक प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर बने। आज इनका एक पांव ही इतना मजबूत है कि सिर्फ एक पांव की मदद से ही आज वे बैडमिंटन खेलते हैं। चलिए बच्चों, ये हैं कृष्णामूर्ति होला। यह एक प्रसिद्ध पैरा एथलीट है, और इनको एक साल जब है कि बहुत तेज़ बुखार होने के कारण उनकी जो है बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, और उनका जो शरीर है वो पैरालाइज हो गया था। अब उनका बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन उसका कोई भी उस पर असर नहीं हुआ, और आज भी बच्चों उनका जो शरीर का नीचे का जो हिस्सा है आज भी क्या है, पैरालाइज है। तो इस प्रकार से मालाथी ने भी क्या किया,
उनकी जो कमजोरी थी उसको उन्होंने भी अपनी एक ताकत बनाया और जो खेल का जो क्षेत्र है उसको अपना कैरियर बनाया। और जब वह पैरा ओलंपिक में आई तब उन्होंने 200 मीटर शॉट पुट, डिस्कस और जेवलिन थ्रो में एक गोल्ड मेडल जीता और वो अभी तक 300 से भी ज़्यादा मेडल जीत चुकी हैं। तो बच्चों आपने देखा कि कुछ खास जो शख्सियत है जिन्होंने अपनी कमजोरी को, अपनी शारीरिक अक्षमता को अपनी ताकत बनाते हुए कैसे वो एक खास मुकाम पर पहुँचे, तो वैसे ही एक कहानी है साहस के पैर जिसे कि श्री जयशंकर अवस्थी जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक असावधानी के चलते जो है अचल जो है असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है, पर अपने प्रतिबद्ध पहल से वह कक्षा में के जो छात्र हैं उनको एक नया सबक देने में वह सफल होता है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारी जो शारीरिक संरचना है वह रंग प्रकृति है उस वह जो है ईश्वर की अनुपम देन है। हर शारीरिक बनावट की जो है अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग खासियत है। तो हमारी जो शारीरिक बनावट हमारे भावों की अभिव्यक्ति और जो सृजनात्मक क्षमता है उसके आड़े कभी भी नहीं आती है, बल्कि वह जो हमें है अपने कार्यों के प्रति और अधिक हमें उत्साही बनाती है। तो आइए बच्चों देखते हैं इस कहानी को, मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। अचल का कक्षा में प्रवेश। तो बच्चों यहाँ पर जो अचल है जब कक्षा में कक्षा के अंदर आते हैं तो जैसे ही वो कक्षा के अंदर आता है कक्षा में एक सन्नाटा सा छा जाता है और सभी की जो निगाहें हैं वो अचल की तरफ टिक जाती हैं और सभी बच्चे जो हैं उसे तैमूलंग तैमूलंग नाम से चिढ़ाने लगते हैं, उसे उपहास का पात्र बनाते हैं और कक्षा के जो सभी बच्चे हैं वो ठहाके तालियों और सीटियों से गूंजने लगती है। बच्चों आपने कक्षा में भी देखा होगा अपने कि कुछ बच्चे ऐसे शरारती होते हैं जो कुछ बच्चों को जिनके अंदर कुछ शारीरिक अक्षमता होती है उनको क्या करते हैं वो ऐसे ही चिढ़ाने लगते हैं। अचल को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया है, वह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। तो बच्चों यहाँ पर जब अचल को उपहास का पात्र बना दिया जाता है, उसे तरह तरह के नामों से चिढ़ाया जाता है, तो अचल को लगता है कि अभी इसी वक्त उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया हो और वह एकदम से ठिठक कर वहीं का वहीं खड़ा रह गया और उसके बाद फिर से कक्षा में वही शोरगुल शुरू हो जाता है। घंटी बजती है और उसके बाद मास्टर जी का कक्षा में प्रवेश होता है। मास्टर जी जो है कक्षा में आते हैं, हाजिरी लेते हैं और हाजिरी लेते समय वह अचल का नाम पुकारते हैं, अचल श्रीवास्तव करके। अचल जो है अपने बैसाखियों के सहारे खड़े होने का प्रयास करता है, तब जो मास्टर जी है वो अचल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि बैठे रहो बेटा बैठे रहो और अचल से उसके पैरों के बारे में पूछते हैं। तो जो अचल है वह उस अपने बारे में जब बताने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो उसकी जो आँखें हैं वो भर आती है, उसकी आँखों के में जो छलछलाती आंसुएं हैं उसको देखकर जो मास्टर जी है वो द्रवित हो उठे और उन्होंने अचल की पीठ थपथपाई और सभी छात्रों से सहानुभूति रखने के लिए कहा। लेकिन मास्टर जी के जाते ही कक्षा के जो बच्चे हैं वो सभी फिर से उसी तरह अचल को चिढ़ाने लगते हैं और पुनः धमा चौकड़ी शुरू करते हैं और मास्टर जी के समझाने का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रात के 12 बजे थे, अचल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, उसके माता पिता सभी सो चुके थे, लेकिन जो है अचल का जो मन है, साल भर पहले जो ट्रेन की जो दुर्घटना घटी थी उसमें उसका जो मन है वो उलझकर रह जाता है। अचल के पिताजी का जो है स्थानांतरण दूसरे जगह हो गया था, सभी सपरिवार ट्रेन से वह जाने की तैयारी कर रहे थे और जब वह ट्रेन से आगे निकल पड़ते हैं तब एक बड़े स्टेशन पर जो है ट्रेन वहाँ पर रुकती है और अचल जो है पानी लेने के लिए नल के पास जाते हैं, लेकिन नल के पास इतना भीड़ होती है कि अचल समय तक वह पानी बॉटल में ले नहीं पाता है और इसके कारण जो है ट्रेन के छूटने की सीटी बजने लगती है। जब ट्रेन छूटने लगती है तो उसके पिताजी अचल को पुकारते हुए कहते हैं कि रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। अब इसी घबराहट में जो है अचल जो है दौड़कर जाता है और ट्रेन के डिब्बे के हैंडल को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन
जल्दबाजी में जो है वो हैंडल को पकड़ नहीं पाता है और उसका जो पैर है वो फिसल जाता है और पूरे स्टेशन में कोहराम मच जाता है चारों तरफ। उसके बाद क्या हुआ, अचल को बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तब वह देखता है कि वह अस्पताल के एक बेड पर पड़ा हुआ है और वहाँ पर उसकी माँ जो है वो रोते हुए उसके सिरहाने बैठी हुई है, पिताजी भी उदास मन से चुपचाप खड़े हुए हैं और अचल को यहाँ पर महसूस होता है कि वह अपना एक पैर गंवा चुका है। अचल जो है फिर से स्कूल में प्रवेश करता है। जैसे ही वह स्कूल में प्रवेश करता है सभी बच्चों की निगाहें फिर से अचल की ओर टिक जाती है और अचल सोचता है कि फिर वही तीर जैसी फप्तियाँ, जहरीले ठहाके। आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर, कि क्यों उन्हें, क्या उन्हें मजा आता है? और वह अचल जो है सोचता है कि अगर मैं उन्हें ये जता दूं कि मुझे अपने इस दिव्यांगता पर, अपने एक पैर ना होने पर मुझे कोई परवाह ही नहीं है, बल्कि मैं तो खुद ही उसे एक हंसने वाली चीज़ मानता हूं, अगर मैं ऐसा जता देता हूं तो जो चिढ़ाने वाले बच्चे हैं उनका जो मज़ा है वो वहीं पर किरकिरा हो जाएगा। और ऐसा सोचते सोचते उसकी कब नींद आँख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। फिर से अचल के लिए वही माहौल था। फिर से सभी बच्चे अगले दिन जैसे ही वह कक्षा में प्रवेश करता है सभी उसे फिर से चिढ़ाने लगते हैं और उसे उपहास का पात्र बनाते हैं। एक छोटा मोटा जो नाटा लड़का है वह फिर से आगे आ जाता है और कहता है, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार सहनसा तैमूर लंग तशरीफ़ ला रहे हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस बात को सुनकर अचल जो है अपने साहस को फिर से जुटाता है और वह शांत रहता है और एक मुस्कान के साथ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जो अचल है वह कहता है कि नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब, तैमूर लंग कहो या अचल, रहूँगा तो वही जो हूँ। इस प्रकार से जो अचल है अपने नाम की व्याख्या करते हैं और आगे जो अचल है वह कहता है कि अब देखो मेरा नाम है अचल, नाम के अनुसार तो मुझे अडिग अचल रहना चाहिए, पर जरा ये बैसाखियाँ हटा दो फिर देखो, तुरंत सचल ना हो जाऊँ तो कहना। तो इस प्रकार से सभी बच्चे जो है वह एकदम आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर अचल के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। अब जो है पूरे कक्षा में सन्नाटा छा जाता है और सभी एकदम से शांत हो जाते हैं और अचल की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक बच्चा जो इसके बाजू में साथ में बैठा होता है वह अचल के पास आता है और उससे पूछता है कि क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता है जब हम सभी तुम्हें चिढ़ाते हैं? तब वहाँ पर जो अचल है वो थोड़ा सा कुछ देर चुप रहता है, शांत रहता है और उसके बाद एक गर्वीली मुस्कान के साथ वह कहता है, यहाँ पर अचल कहता है कि ये छोटे मोटे जो फप्तियाँ हैं, उपहास हैं, जो मुझे चिढ़ाया जाता है, ये मेरे लिए यहाँ पर ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो अचल को है अब धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उसके जो पैर है वो हार्ड मांस के नहीं है, ना ही लकड़ी के है, उसके जो पैर है वह तो साहस के पैर है और वह इसी साहस के पैर के बल पर वह बीहड़ राहों को, उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं, कठिनाइयां हैं, उसको आगे पार करता हुआ वह आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों इस कहानी से आप सभी ने ये जाना कि जो दिव्यांगता है वह एक मानसिक अवस्था है। यदि दिव्यांग अपने दिव्यांगता को अपना मान ले और उसे अपनी कमजोरी जो शारीरिक अक्षमता है वह उसको अपनी ताकत बना ले और अपने लक्ष्य की ओर अगर वह आगे बढ़ता है तो कोई भी जो बाधा है उसके मार्ग में अवरोधक नहीं बनेगी। और बच्चों हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शारीरिक अक्षमता वाले जो लोग होते हैं उनका हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उन्हें उनका हमें उपहास करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर की जो पीड़ा है उसको हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं। चलिए बच्चों अब हम कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं जो कि कठिन है, इस कहानी को समझने में आपको इससे मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं, अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति अर्थात विचार या भाव का प्रकटीकरण, प्रकृति अर्थात स्वभाव, तासीर, मिजाज, सृजनात्मक, सृजनात्मक अर्थात निर्माण, सृजन से संबंधित, प्रतिबद्ध अर्थात बंधा हुआ, हक्का बक्का अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना, द्रवित, पिघला हुआ, पसीजा हुआ, अंदाज, तरीका, तबादला अर्थात स्थानांतरण। आगे देखते हैं, हैरत, हैरत अर्थात आश्चर्य, विस्मय, कुहराम, कुहराम अर्थात हाहाकार, फप्तियां कसना,
पपतिया कसना अर्थात हंसी उड़ाना, बीहड़, बीहड़ अर्थात ऊंचा नीचा, अडिग अटल। आइए बच्चों अब हम बोध प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों बताइए कि अचल कौन था और वह किस प्रकार शारीरिक चुनौती का शिकार हो गया। बताइए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि अचल कौन था और किस प्रकार की वह चुनौतियों से वह घिरा हुआ था, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। अचल एक साहसी विद्यार्थी था और वह असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो जाने के कारण उसे अपना एक पैर गंवाना पड़ा था। चलिए बच्चों बोध प्रश्न की ओर चलते हैं हम कि अचल को रात में नींद क्यों नहीं आई। अभी बताया था बच्चों मैंने आपको कहानी में कि अचल को नींद क्यों नहीं आ रही थी। चलिए मैं बताती हूँ। अचल का जो मन है, साल भर पूर्व हुए ट्रेन दुर्घटना में उसका जो मन है उलझ गया था, इसलिए अचल को रात में नींद नहीं आई। अगला प्रश्न है बच्चों, कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित करता है, क्यों? बताइए बच्चों, जो अचल है उसका जो व्यक्तित्व है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, लोग उसका उपहास करते थे, बच्चे, तो किस प्रकार से वह हमें प्रभावित करता है। कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि शारीरिक अक्षमता के कारण जो है अचल को उपहास का पात्र बनना पड़ता था। कक्षा में सभी विद्यार्थी उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और सभी की निगाहें जो है वो अचल पर टिक जाती थी और यहाँ पर अचल को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और अचल ने इन सभी बच्चों को एक प्रतिबद्धता के साथ, एक साहस के साथ उनको एक नया सबक सिखाया। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं विशेषण और विशेष्य। आपने इसके पहले के पाठों में भी विशेषण और विशेष्य को पढ़ा होगा, तो बताइए बच्चों अब बता सकते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। चलिए बच्चों मैं बताती हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे हम देखते हैं विशेष्य, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, विशेष्य किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसे हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं, विशेषण और विशेष्य को। चलिए बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे विशेषण, ये पाठ से ही लिए हुए शब्द हैं जिसे आप भी बता पाएंगे, आपने कहानी में इसे पढ़ा होगा। जहरीले, गर्वीले, सुंदर, गरीब, मोटा, असहनी, असहाय, तो ये जो सभी शब्द हैं वो क्या है, विशेषण है। अब इसके साथ कुछ शब्द हैं जो विशेष्य हैं तो उसके आपको जोड़ी बनाना है और उसे आपको बताना है। चलिए बताइएगा बच्चों, जहरीले क्या होगा, जहरीले क्या होगा, बताइए जल्दी, ठहाके क्या होगा, जहरीले ठहाके। तो ठहाके कैसे थे बच्चों, जहरीले थे, तो यहाँ पर ठहाके की जो विशेषता है वह क्या है, जहरीले, इसलिए जो जहरीले शब्द है वह विशेषण है और जो ठहाके शब्द की हमने यहाँ पर विशेषता बताई है तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है विशेष्य। अगला है बच्चों गर्वीली, तो क्या होगा यहाँ पर, गर्वीली मुस्कान, तो मुस्कान कैसी है, गर्वीली, ठीक है, मुस्कान कैसी है, गर्वीली, तो मुस्कान की विशेषता क्या है यहाँ पर, गर्वीली, तो जो विशेषता बताई जा रही है वह होगा गर्वीली, जो शब्द है वह विशेषण होगा और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है मुस्कान वह क्या होगा, विशेष्य होगा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं सुंदर फूल, फूल कैसे है बच्चों, सुंदर, तो सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण है और फूल जो शब्द है वह विशेष्य है। गरीब विद्यार्थी, तो बताइए बच्चों इसमें विशेष क्या होगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसा है, गरीब है, यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता क्या बता रहे हैं कि वह गरीब है, इसलिए उसकी विशेषता क्या हुई, गरीब, और जो विद्यार्थी शब्द है उसकी हम विशेषता बता रहे हैं तो जो गरीब विद्यार्थी शब्द है वह क्या होगा, विशेष्य होगा। असहनी, असहनी क्या होगा बताइए बच्चों, असहनी क्या होगा, असहनी दुख, तो दुख कैसा है बच्चों यहाँ पर, असहनी है, जो कि सहने योग्य नहीं, तो दुख की विशेषता क्या है यहाँ पर, असहनी है, इसलिए असहनी जो शब्द है वह विशेषण होगा और जो दुख शब्द है उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वह शब्द क्या होगा, विशेष्य होगा। अगला है बच्चों असहाय, असहाय मरीज, मरीज कैसा है,
असहाय, तो मरीज की विशेषता कैसे क्या बता रहे हैं हम कि असहाय है, तो असहाय शब्द विशेषण होगा और जो मरीज है वह क्या होगा, विशेष्य होगा। अगला है बच्चों मोटा लड़का, तो यहाँ पर बताइए बच्चों लड़का क्या होगा, विशेषण होगा कि विशेष्य होगा, विशेष्य होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि लड़के की हम विशेषता क्या बता रहे हैं कि लड़का क्या है, मोटा है, तो लड़का की विशेषता है मोटा, तो मोटा शब्द यहाँ पर विशेषण होगा और जो लड़का शब्द है वह क्या होगा, विशेष्य होगा, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं किसने किससे कहा, आपने पूरी कहानी सुनी है तो चलिए बच्चों बताइए बैठो बेटे बैठे रहो यह सब कैसे हो गया, यह वाक्य जो है किसने कहा किससे, बताइए बताइए बच्चों, अभी बताया था कुछ देर पहले मैंने कहानी में आपको, चलिए मैं बताती हूँ, मास्टर जी ने अचल से कहा। अगला है बच्चों रहने दो अचल अगले स्टेशन पर ले लेंगे, बताइए बच्चों यह वाक्य किसने किससे कहा, बहुत बढ़िया, यह जो वाक्य है पिताजी ने अचल से कहा। अगला है बच्चों बा अदब बा मुलाहिजा होशियार सहनसा तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं, बताइए बच्चों किसने कहा था, अचल को किसने चिढ़ाया था, बताइए बच्चों, याद होगा आपको मोटा नाटा लड़का ने अचल के लिए कहा था। चलिए बच्चों अब हम आते हैं गृह कार्य की ओर, बच्चों कुछ और भी प्रश्न है इस पाठ के पीछे में उसे आपको अपने शब्दों में स्वयं से लिखना है, और एक प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ, प्रश्न है उन दिव्यांग लोगों के बारे में जानकारियाँ एकत्र कर लिखिए जिनकी शारीरिक कमियाँ उनके सफलता के मार्ग में अवरोधक नहीं बन सकी वरन वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कामयाबी हासिल करने में सफल रहे। तो बच्चों जैसा कि मैंने कक्षा के प्रारंभ में आपको कुछ दिव्यांग हस्तियाँ खास हस्तियाँ थी उसके बारे में मैंने बताया था, तो वैसे ही और भी कुछ खास शख्सियत हैं उनके बारे में आपको ढूंढना है और उनके बारे में आपको लिखना है, हो सकता है ऐसे दिव्यांग शख्सियत आपके घर में भी हो, आपके आसपास के परिवेश में भी होंगे जिन्हें आप जानते हैं, तो उनके बारे में भी लिख सकते हैं, और बच्चों उनके बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद आपको उसे अपने कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक या चाहें तो आप अपने घर में अपने माता पिता से को भी उसे दिखा सकते हैं। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों और हम मिलते हैं अगली कक्षा में।